महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जायसवाल ने कहा, बूथ और सेक्टर लेवल पर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिलाओं के हक में जमीनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। महिला कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए महिला कांग्रेस माइक्रो लेवल पर तैयारी करने में जुटी हुई है। अर्चना जायसवाल ने कहा कि बूथ और सेक्टर लेवल पर मजबूती के लिए समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। बिल्कुल, महिला कांग्रेस एकदम माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है, ब्लॉक मंडल सेक्टर बूथ लेवल पर तैयारी करने के लिए। आज से महिला कांग्रेस की पूरी समीक्षा बैठक प्रारंभ हो गई है और अभी आज उसकी बैठक थी जहां पर चुनाव हैं, 3 विधानसभा और सांसदीय क्षेत्र की बैठक थी। आने वाले समय में बस संभाग स्तर पर बैठक हो रही है। महिला कांग्रेस यदि उसकी कार्यकारिणी बनी है, ब्लॉक स्तर पर बना है, तो वो अपना समीक्षा हो रही है और समीक्षा के बाद महिला कांग्रेस पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ सड़क पर निकलेगी और जनता के हक की और हिफाजत की लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है, कितनी गुंडागर्दी और कितना तस्करी जो चल रही है, महिला उत्पीड़न चल रहा है, उन सब के उसमें अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भाजपा सरकार को हटाएगी और कांग्रेस को 2023 में काबिज करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।